जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम से लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यस ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंशु, रश्मि और प्रभा ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द में भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्याशा में भी प्रति उपसर्ग है और प्रतिध्वनि में भी प्रति उपसर्ग है, यानी कि इन तीनों विकल्पों में भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। बात करेंगे ऑप्शन ये की 11 की, तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, सीता गीता से बहुत छोटी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। जब किसी वाक्य में तुलना का भाव प्रकट हो तो वहाँ अपादान कारक होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अपादान कारक के चिन्ह की अगर बात करेंगे तो इसका कारक चिन्ह से होता है, जब अलगाव या पृथकता को दिखाया जाता है तो से का प्रयोग जब किया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगर वाक्य से तुलना का भी भाव अगर प्रकट हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। करण की अगर बात करेंगे तो से के द्वारा करण कारक का चिन्ह होता है, से जब साधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो वहाँ करण कारक होगा, लेकिन जब अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस समास में पूर्वपद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पर मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। अगर इसकी पहचान की बात करेंगे तो पूर्वपद संख्यावाची होगा। नवरत्न का अगर समास विग्रह करेंगे तो नवरत्नों का समाहार, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। बात करें अव्यय भाव समास की, जिस समास में पूर्वपद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। बात करें तत्पुरुष समास की, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व की बात करेंगे तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि की अगर बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों की अगर बात करें तो जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे आपका भविष्य उज्जवल हो, इस वाक्य के रेखांकित यानी आपका, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ही 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन,
चिंतामणि रचना के रचनाकार इनमें से कौन है? चिंतामणि रचना, यह रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो कामायनी, झरना, कंकाल, इरावती जो कि इनका अधूरा उपन्यास है, ये रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। बात करेंगे ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह की, तो मजदूरी और प्रेम इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि सरदार पूर्ण सिंह की है। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति रसलीन की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतयो शब्द में कौन सी संधि है? अतयो शब्द की अगर बात करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अतः धन एओ, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो इसमें विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।